अरे एक्शन भाई, कलश को प्रपोज कैसे किया था? अरे एक्शन भाई मर गए क्या? वीडियो कब अपलोड करोगे? अरे क्या हो गया यार, वीडियो तो अपलोड करो। 60 के लाइक तो कब का कंप्लीट हो चुका है और 2 महीने होने वाले हैं, आपने वीडियो ही अपलोड नहीं की। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग पे मैं आप सभी को सॉरी बोल देना चाहूंगा दिल से यार। ये जितना भी लेट हुआ ना, ये मेरी गलती थी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड की गलती थी यार। अच्छा हाँ मेरी जान बोलो। क्या मतलब वीडियो में क्या बोला? क्या ब्लॉक कर रही हूँ भाई, मैं ऐसा मत करो यार, मर जाऊंगा मैं। तो गाइस आप में से 90% बंदों ने फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया होगा मेरी लव स्टोरी का, तो ये वाला है सेकंड पार्ट, आइए देखते हैं मजा आएगा। स्टोरी बताने से पहले आपकी मतलब की बात, यो एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिससे आपको 100 डायमंड फ्री में मिल जाएंगे। बस आपको खिलाड़ी अड्डा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मेरा रेफरल कोर्स से ज्वाइन करना है। जो मेरा रेफरल कोर्स से ज्वाइन करेंगे उनमें से 10 रैंडम प्लेयर्स को 100 डायमंड खिलाड़ी अड्डा की तरफ से मिल जाएंगे। खिलाड़ी अड्डा ऐप में आप फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के कस्टम डेली स्क्रीम्स खेलकर आप डेली 1 से 2 हजार रुपए भी जीत सकते हो। खिलाड़ी अड्डा ऐप हर महीने 1500 से ज्यादा कॉन्टेस्ट होस्ट करती है, हर खिलाड़ी हर रोज 10 हजार रुपए से ज्यादा जीत सकता है। इन सब में से मेरा फेवरेट है हर शाम 11:30 बजे वाला सर्वाइवल बैटल, इसमें जो सबसे आखिर तक जिंदा रहता है वो सबसे ज्यादा प्राइस मनी भी जीतता है। अगर आप किल करने में माहिर नहीं लेकिन कैंपिंग करने में एक्सपर्ट है तो दोस्तों ये खेल आपके लिए ही है। मतलब ये है कि ये कॉन्टेस्ट सबसे हटकर है और इसको किसी भी लेवल का खिलाड़ी खेल और जीत सकता है, बिना किल के भी मालामाल हो सकता है। साथ ही एक मस्त ऑफर है, जो भी नया यूजर ज्वाइन करेगा उसे ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा जिसे वो अपना पहला मैच फ्री में खेल सकता है। साथ ही साथ खिलाड़ी अड्डा के डिस्कॉर्ड सर्वर पर टियर 1, 2 एंड टियर 3 प्रैक्टिस स्क्रीम्स के साथ साथ डेली डायमंड्स गिव अवे भी होता है। इतना बता ही दिया तो इंतजार किसका कर रहे हो? जाओ जाके ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री 20 रेफर कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा और 100 डायमंड्स भी। तो अभी रजिस्टर करें। तो गाइस पार्ट 1 में आप लोगों को मैंने ये बताया था कि क्यूटी पाई को मैं अपनी बुक्स देता था और उसको थोड़ी बहुत ड्राइंग्स भी सिखा देता था कि कैसे ड्राइंग्स करते हैं। तो ऐसे ही बहुत दिनों तक गाइस चलता रहा, फिर एक दिन हमारे पूरी क्लास को गेम का पीरियड मिला। तो उस गेम के पीरियड में मेरा एक ओपोनेंट ऐसा बोल सकते हो जिसके साथ मेरी थोड़ी बहुत बहस होती रहती थी, उसने मुझे चैलेंज किया कि आजा भाई चेस खेलते। और गाइस मुझे चेस खेलना ठीक से आता नहीं था उस टाइम पे, पर भाई ओपोनेंट ने मतलब चैलेंज दिया है तो एक्सेप्ट क्यों ना करे। एक्सेप्ट कर लिया मैंने और मैं उससे बहुत बुरी तरीके से हार गया। और ये जो हो रहा था ना, ये क्यूटी पाई ने पीछे खड़े खड़े देख लिया था कि उसने मुझे हरा दिया है। तो गाइस उस दिन इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद मैं उससे बात भी कैसे करता छुट्टी में। और गाइस ऐसे मैंने छुपते छुपाते बाहर निकल ही गया था, पर मैंने देखा क्यूटी पाई सामने खड़ी है। और गाइस वो मेरे पास आई और मुझसे बोला कि आपने मुझे ड्राइंग सिखाया था तो मैं क्या आपको चेस सिखा सकती हूँ? और गाइस आप लोगों को मैंने एक बात तो बताई नहीं, वो चेस बहुत ही अच्छा खेलती थी। तो गाइस आपको क्या लग रहा है, मैंने इसको ना बोल दिया होगा? पागल हूँ क्या? इतने अच्छे मौके को कौन गवाता है, उसके साथ टाइम बिताने का इतना अच्छा मौका। तो गाइस मैंने भी उसको झट से हाँ बोल दिया। ऐसे गाइस क्यूटी पाई ने मुझे 3 महीनों तक चेस सिखाया था। और गाइस आपको बताया मैं मैक्स स्टूडेंट हूँ, मतलब टीचर भी मैक्स का ही बनने वाला हूँ, तो थोड़ा इंटेलिजेंट था ऐसा, मतलब खुद की तारीफ करूंगा नहीं। अपनी कितनी तारीफ करोगे एक्शन भाई? अबे तुझे कितनी बार बोला है वीडियो के टाइम पे फालतू की बकवास मुझसे किया ही मत कर। अच्छा अच्छा ठीक है एक्शन भाई, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा अब। और गाइस जब मुझे चेस खेलना नहीं आता था उस टाइम जिसने मुझे हराया था उसको मैंने फिर हरा दिया बहुत ही गंदी तरीके से। और गाइस अगर आप गुजरात में रहते हो तो आपको पता होगा एक साल में एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम आप कोई भी चेस को मतलब कोई भी कंपटीशन में भाग ले सकते हो। मतलब आप बाहर भी रहते हो तो भी आप कोई ना कोई गेम में ऐसे मतलब कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट तो करते ही होंगे ना, तो उसी तरीके का हमारे सूरत में भी मतलब होता रहता है। तो गाइस इस टाइम पे मेरे को चेस बहुत ही अच्छी तरीके से खेलना आता था तो मैंने चेस पे पार्टिसिपेट कर लिया। और गाइस क्यूटी पाई ने भी उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। और गाइस पहले तो स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिशन होने वाला था जिसमें मैं आराम से जीत गया और क्यूटी पाई भी आराम से जीत गई। तो गाइस हमारे स्कूल से 3 बंदे सिलेक्ट हो गए थे चेस के लिए, मैं क्यूटी पाई और एक कोई था। और गाइस धीरे धीरे एक डेट भी आ गई जिस टाइम हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने जाना था। और गाइस धीरे धीरे हमारा डेट भी आ गया जिस दिन को हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने जाना था। तो गाइस उधर बहुत सारे बंदे आए थे दूसरे दूसरे स्कूल से, तो इसी तरीके से हमारा मैच भी स्टार्ट हो गया। और ऐसे ही देखते देखते 4 राउंड्स बीत गए। और गाइस हमारे स्कूल से जो भी 3 बंदे आए थे ना उसमें से 2 बंदे मतलब क्यूटी पाई और एक लड़का जो था वो लोग आउट हो गए थे। और मेरा मैच चल ही रहा था उसमें जो मेरा सामने वाला बंदा था उसने मुझे 2 बार रॉन्ग स्टेप का वार्निंग दे दिया था। और बीच में मैंने एक बार चेसलिंग की थी, अगर जो लोग चेस खेलते हैं उनको पता होगा चेसलिंग क्या होता है। गाइस चेसलिंग में ये होता है कि हाथी और किंग की पोजीशन बदलती है, तो मैं गाइस मैंने इसमें 2 हाथ से मैंने हाथी और किंग की पोजीशन चेंज की थी। तो गाइस ये करते ही उसने चिल्लाने लगा कि भाई ये नहीं चलेगा, तुम हार चुके हो मैच। जो उधर संभाल रहे थे वो हमारे पास आए और बोला कि गेम स्टार्ट रखो, लास्ट में देख लेते हैं क्या होता है। तो गाइस लास्ट तक आते आते मैंने उसको आराम से हरा दिया था। फिर वो चिल्लाने लगा कि भाई मैं तो पहले ही जीत गया था, मैं नहीं मानता ये जो मैं हार गया हूं। और गाइस हम दोनों का मैच ही लास्ट तक चल रहा था, मतलब सभी के मैच जो 5 जन थे
थे और भी उनका मैच खत्म हो चुका था और हम दोनों लास्ट तक बैठे थे और ये वाला सीन हो गया था। तो गाइस उधर के जितने भी सर थे सब हमारे पास आ गए थे कि देखने क्या हो गया इधर ऐसा। तो गाइस उसने अपने स्कूल के सर को बुला लिया और मैंने भी अपने स्कूल के सर को बुला लिया और उधर के जो भी मतलब करवा रहे थे वो लोग भी आ गए। और फिर जो गुजरात के मतलब हेड थे जो चेस में बहुत ही अच्छा खेलते उनको भी फोन किया गया। उन्होंने पूछा कि कौन से हैंड से मैंने पहले मतलब स्टेप लिया था, तो मैंने राइट हैंड से लिया था और राइट हैंड से मैं खेल रहा था। तो गाइस इस तरीके से देखा जाए तो मेरी कोई गलती थी नहीं, पर और एक जन को जो फन किया उन लोगों ने बोला कि दो हैंड यूज करना इल्लीगल है। तो गाइस ये जो मैटर था ये एक घंटे तक चलता रहा और फिर अगर हमको बोला गया कि आप अपना हैंड ओवर करोगे तो गाइस फिर मेरे सर ने बोला हाँ कर ले प्रदीप। तो गाइस इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और क्यूटी पाई भी उतनी ज्यादा दुखी थी। तो गाइस ये जो भी सब हुआ था इससे मैं और क्यूटी पाई और भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे, एकदम क्लोज फ्रेंड। तो गाइस अब चालू होता है मेन मैटर, अगर कोई लड़की आपको दोस्त बना ले मतलब भाई आप फ्रेंड जोन में जा रहे हो और बहुत ही गंदा जोन होता है वो। गाइस आपको तो पता ही होगा फ्री फायर में लास्ट जोन बहुत ही ज्यादा काटता है। नहीं भाई असली में तो फ्रेंड जोन सबसे ज्यादा काटता है। इस जोन में ऐसा होता है कि आप हो तो बहुत कुछ पर हो के भी कुछ नहीं हो। तो गाइस अब मुझे चाहिए था एक मौका और गाइस ऐसे ही हमारे नॉर्मल स्कूल्स चल रहे थे और हमारी टीचर ने बोला कि हमारे स्कूल से ले जाने वाले हैं पिकनिक पे। तो गाइस हमारी टीम ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था ये बच्चों की तरह कौन जाएगा पिकनिक पे। फिर गाइस मैंने देखा क्यूटी पाई भी पिकनिक पे जा रही है और बहुत सारी लड़कियां भी जा रही है, तो हमारे दोस्त के सारे डिसीजन बदल गए भाई, एक ही जज्बात पे बदल गए सबके डिसीजन। सब बस यही बोलने लगे अगर हमारी टीम नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा यार, किंग तो जानी चाहिए। मतलब गाइस सीधे सीधे नहीं बोलोगे कि गर्लफ्रेंड के पीछे जा रहे हो। फिर गाइस उस पिकनिक में ऐसा कुछ हुआ जब क्यूटी पाई ने मुझे प्रपोज कर दिया। अरे एक्शन भाई ऐसा तो क्या हुआ? वो तो गाइस पार्ट 3 में ही पता चलेगा आप सभी को। अरे एक्शन भाई ये क्या यार? अरे टेंशन मतलब इस बार बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। और गाइस इस वीडियो का लाइक गेम है 80K लाइक्स। और भाइयों आप लोगों से मेरे खाली एक ही शिकायत है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हो पर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्यों नहीं करते यार, आज प्लीज कर देना यार सभी। आपके एक्शन भाई के लिए इतना सा काम नहीं करोगे।